भाजपा झूठी सरकार है, झूठी सरकार है, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। यो तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत पेमेंट सरक रहा, उसके बाद कोई पेमेंट होगा नहीं। तो हम सर नोटा ही दबाएंगे, अब तो पक्का कंफर्म है। मोदी में विश्वास की वजह? वजह ये पाकिस्तान से इतना जल्दी बदला। तो न्यूज चक्र जा पहुंचा एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार सियासी दस्तक दी थी। यही नहीं, इसी को दोहराया गया था उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में। मेरे पीछे आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये है वो मंच जो सजाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और इसका आगाज वो कर रहे हैं मेरठ के साथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि पिछली बार भी उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत मेरठ से की थी और उसके शुभ परिणाम आए थे, मगर इस बार माहौल अलग है। हम जानते हैं कि पुलवामा के चलते और उस पर शहादत को लेकर जो सियासत की है भारतीय जनता पार्टी में, उसके चलते माहौल बदला है, मगर इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुद्दे अलग हैं। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल से जनता नाराज, मुकाबले में मीट व्यापारी हाजी याकूब, मेरठ में हिंदू मुस्लिम तनाव की कोशिश, नोटा पर दबेगी उंगली। तो हम सिसौली गांव में हैं, ये वो गांव हैं जिस गांव में बाकायदा एक बैनर लगा था कि इस बार राजेंद्र अग्रवाल जो कि सांसद है मेरठ से, उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। आज हम इस गांव में आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं यहाँ की जनता से कि उनके लिए जब वो वोट देंगे तो मुद्दा क्या होगा, राजेंद्र अग्रवाल का ना होना या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा। आइए, हम इस गांव की चौपाल में हैं। आप लोग शायद फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ये एक गाँव है जो अपने आप में बहुत दिलचस्प था क्योंकि बाकायदा यहाँ एक बैनर लगा था कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। तो बीजेपी को नहीं तो किसे वोट? देखो ऐसा है सर, बीजेपी को वोट देने की हमारी तो मजबूरी है, पर ये है प्रत्याशी हमारा चेंज होना चाहिए। हमारी वो तो नहीं हो रहा है, प्रत्याशी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम सर नोटा ही दबाएंगे। अब तो पक्का कंफर्म है, पहली वोट हमारी नोटा को जाएगी। आप ये बताइए, जब आप कहते हो कि प्रत्याशी नहीं बदला गया फिर भी आप नोटा पर वोट जो है दबाएंगे, तो इससे बीजेपी को कैसे आप सजा देंगे? बीजेपी को ये तो अपना कंफर्म हो जाएगा कि वो कहते हैं वंशवाद नहीं चलेगा, जो कार्य नहीं करेगा वो 5 साल बाद अपने आप चेंज हो जाएगा। तो 10 साल से जब इन्होंने हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है तो ये किस आधार पे इन्हें टिकट दिया गया? यार हम काफ़ी समय से इनका विरोध कर रहे हैं तो इन्हें टिकट किस आधार पर दिया गया? किस आधार पर दिया? और प्रधानमंत्री, हम आपको बता दें यहाँ पर रैली बाकायदा मेरठ में करने वाले हैं 27 तारीख को। आप एक अरसे से इस गाँव को देखते रहे हैं, इस बार क्या बदला है? युवा जो है वो नाराज दिख रहा है, क्या इस बार मुश्किल में है राजेंद्र अग्रवाल? हाँ जी, राजेंद्र अग्रवाल मुसीबत में है। क्यों, वजह क्या लगती है? कुछ काम नहीं कर रहा यहाँ। देखिए मैं समझना चाहता हूँ, एक अरसे से मैं जानता हूँ कि यहाँ की जनता जो है वो कह रही थी कि राजेंद्र अग्रवाल को बदला जाए। हमने देखा मथुरा में भी हेमा मालिनी के खिलाफ नाराजगी थी, नहीं बदला गया। बागपत में भी डॉक्टर साहब डॉक्टर सत्यपाल सिंह बने हुए हैं, यहाँ पर भी राजेंद्र अग्रवाल बने हुए हैं। आप लोग अगर पारंपरिक बीजेपी सपोर्टर्स हैं तो ऐसे में तो आपकी बात नहीं सुनी गई ना? नहीं, हम इसमें कोई पर जनता का भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया ना कार्य का, बस इनकी तो हठधर्मिता है। कोई इनसे इन्होंने हमारी भैंस नहीं खोल ली, या कोई दूसरा नेता भी जो है वो हमारी बुग्गी या हल थोड़ा ही चलाएगा कोई भी। हमारा तो कहना यूँ है कि जो नेता हमारे दुख दर्द में साथ रहे, भले ही समस्या का हमारी का समाधान हो ना हो, पर हमारे साथ खड़ा रहे। मैं पंडित जी आपसे समझना चाहता हूँ, ये अहंकार डॉक्टर मतलब राजेंद्र अग्रवाल का है या अहंकार बीजेपी और मोदी जी का है? मोदी जी का क्या, पार्टी का ही मान लो भाई, नहीं बदल रहे हैं वो तो। कैंडिडेट तो चाहेंगे मुझे ही टिकट मिले, और उनका तो सीधा कहना है कि मैं क्या वोट मांगने आऊँ आपसे, मोदी को दें वोट, मेरा क्या वो है, मुझ पर क्या एहसान है? आप जो लोग हैं मोदी को या बीजेपी को वोट दें, मैं नहीं मांगता तुमसे वोट। तो देखिए बहुत दिलचस्प यहाँ स्थिति है, ये पारंपरिक तौर पर
बीजेपी समर्थक वोटर्स रहे हैं इस गांव के, मगर उनके सामने धर्म संकट है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जिनमें इन्हें विश्वास है, मगर दूसरी तरफ जो स्थानीय सांसद हैं, और देखिए ये दास्तान सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे कई इलाकों में आप जाएंगे जहां सांसदों से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आपको बीजेपी की चुनावी रणनीति को समझना है तो इंडियन एक्सप्रेस के इस पहले पन्ने पर गौर करना होगा। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली चुनावी सभा, और इस चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट इमरान मसूद को मसूद अजहर का दामाद बता डाला। जी हां, दामाद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में उन्हें चुनावी दस्तक देनी है तो माहौल का सांप्रदायिकरण करना होगा, और यकीन मानिए इसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा इमरान मसूद की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही किसी रिएक्शन का इंतजार कर रही है, क्योंकि कम से कम आगरा में विजय संकल्प रैली में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जो सभा थी वो काफी ठंडी थी। उस तस्वीर को देखकर या अपने सामने भीड़ को देखकर अमित शाह बहुत मायूस हुए हैं, और ये ना भूलें कि आगरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। मुजफ्फरनगर जाट नेता अजीत सिंह बना रहे हैं जाट अस्मिता का मुद्दा। सामने हैं संजीव बाल्यान, संसद में अजीत सिंह मगर मोदी बने पीएम। देखिए हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं, और आप जानते हैं मुजफ्फरनगर वो जगह थी जिसने साल 2014 में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की दिशा तय की थी, और अगर आपको सियासत समझनी हो तो ऐसी चौपालों में उस सियासत को आप समझ सकते हैं। हमारे साथ हैं इस चौपाल में मुजफ्फरनगर की आम जनता, जिनमें कुछ किसान हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, और उनसे आइए जानते हैं कि दरअसल इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। ताऊ आप बहुत गहन मुद्रा में हैं, क्या लगने वाला है इस बार, अजीत जी या बाल्यान? नहीं, अजीत सिंह लगेगा। अभी कहो अजीत सिंह जीतेगा, क्यों जीतेगा? अजीत सिंह जाटों की वजह से जीता का भी। ये खाली जाटों से अजीत सिंह नहीं जीतता, ठीक है नहीं, ये एक समीकरण बना हुआ है, ठीक है, समीकरण की वजह से अजीत सिंह जीतते हैं। कैसे, बताइए बताइए कैसे? जाट कितने हैं यहाँ पे? जाट मुश्किल से 1.25 लाख है, तो और मुसलमान प्लस जाट उस वजह से जीत सकता है, एक समीकरण बना हुआ है। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या मुसलमान वोट देगा अजीत को, क्योंकि हम जानते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं जब दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में तो वो जाट बनाम मुसलमान होते थे, इस बार हालात बदलेंगे? हाँ जी बिल्कुल बदलेंगे, अजीत सिंह को टोटल एक मोमडन वोट देगा, सब देंगे। आप लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर अगर जैसे कह रहे हैं यहाँ पर अजीत सिंह जीत गए, बागपत में भी वैसे ही माहौल बन रहे हैं क्योंकि उनका बेटा वहाँ है, मथुरा में भी जाट वोट है, तो ऐसे में फिर मोदी जी कहाँ से पीएम बन रहे हैं? अजी हम जाट हैं इसलिए हम अपने अजीत सिंह को वोट देंगे यहाँ से। पहली बार हमने संजीव बाल्यान को वोट दी थी जी, तो ये बका तो हम अजीत सिंह को वोट देंगे। अच्छा कुछ काम किया, क्योंकि ये मैं शिकायत सुन रहा हूँ, मैं मेरठ गया, मैंने मेरठ में शिकायत सुनी, वहाँ के बीजेपी सांसद ने काम नहीं किया, बागपत में डॉक्टर सत्यपाल सिंह लोग से नाराज हैं, इसने काम किया भी नहीं, काम करा संजीव बाल्यान ने भी नहीं, यहाँ काम करा, जो बोर्ड लगा हुआ है उसका, उस पर लिखा हुआ है बस, उससे फालतू कुछ नहीं। आप देख रहे हैं बहुत दिलचस्प बात इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी का काम जो है वो बोर्ड पर दिखाई देता है, जमीन पर नहीं दिखाई देता। ताऊ आपको क्या लग रहा है इस बार वोट किसको पड़ने वाला है, संजीव बाल्यान या अजीत सिंह? लोकदल को, लोकदल को, मतलब अजीत सिंह को। हाँ जी, तो नहीं, अजीत सिंह को वोट देने के पीछे का मकसद क्या है, जाट अस्मिता है या क्या, कुछ सहानुभूति है क्या है? भाजपा ने कुछ करा ही नहीं, भाजपा झूठी सरकार है, झूठी सरकार है, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, जो भी वादे करे सब फेल। मोदी जी भी फेल? मोदी जी फेल, मोदी जी ने तो वादे किए। तो मैंने आपसे क्या कहा था शुरुआत में कि अगर आपको किसी जगह की सियासी नब्ज को समझना हो तो ऐसी चौपालों में जाइए, क्योंकि यकीन मानिए यहाँ जो दिग्गज बैठे हुए ना, इनके सामने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित फेल हो जाते हैं। मैं हूँ इस वक्त मुजफ्फरनगर के औद्योगिक क्षेत्र बैगराक्षपुर में। इस गांव की मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। आज से कई साल पहले मैं यहाँ पर आया था, और जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ से जो केमिकल रिसाव हो रहा है, उस केमिकल रिसाव से इस गांव में जिंदगियाँ की जिंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं।
जी हाँ, और उस दंश का सामना अभी भी यहाँ के लोग कर रहे हैं। अभी भी देखिए सामान्य साफ सफाई यहाँ पर नहीं है, लोग उन्हीं हालात में जीने को मजबूर हैं। और उस वक्त जो हमने कहानी दिखाई थी जिसके चलते उस केमिकल रिसाव के चलते कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे थे, बच्चे जो पैदा हो रहे थे उनमें कई तरह की तकलीफें थी, अब जबकि हम चुनाव की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और खासकर कैसे क्षेत्र ने जिसने भारतीय जनता पार्टी को बंपर सीटें दी हैं, उनके लोगों का क्या मानना है? आइए इसी गांव में यहां कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे। अब दादा आप मेरे ख्याल से सबसे यहां सीनियर हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने तो यहां पर पूरी जिंदगी बिता दी, इस बार जब आपके गांव का वोट पड़ेगा तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा जी? मतलब किस मुद्दे पर आप वोट दोगे? क्या आप खुश हो अपनी सरकार से? मारा गन्ना खेत में खड़ा, हम क्या करेंगे, खुश रहेंगे सरकार से? हाँ, 5 महीने शुगर फैक्ट्री को चलते और 5 हफ्ते पूरे नहीं हो पाए, ना पेमेंट मिलेगा। यो तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत पेमेंट सरक रहा, उसके बाद कोई पेमेंट होगा नहीं, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं होगा। 10 रुपये जिससे हमने लिए, जो गन्ना हमारा जाएगा उसका इतना ब्याज बढ़ जाएगा उस आदमी का हमारे। क्या योगी जी और मोदी जी ने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया? करते तो फिर आपसे बात करते हम। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ दोहरा दंश है, एक तरफ बीमारी की मार है और दूसरी तरफ वो गन्ने की समस्या जो मुंह बाहे हर तरफ खड़ी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसान के लिए, ग्रामीण के लिए, ये इस इलाके के लिए ये आपका सबसे विषम काल है, सबसे मुश्किल काल है? अजी सरकार कोई सी भी आवे, हमारे यहाँ से प्रदूषण खत्म हो जाना चाहिए। ये गंदी नाला भी है, नदी की भी, कई बार इसकी सूचना दे पाए। तो आप देखिए यहाँ समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हुई हैं, समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं, सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। कहीं एक तरफ जैसे कह सकते हैं गन्ना की समस्या है, कहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लोगों के स्वास्थ्य की समस्या है। इंसान करे तो करे क्या। कैराना, मरहूम हुकुम सिंह की बेटी का टिकट कटने से समर्थकों में गुस्सा। तबस्सुम खान हैं महागठबंधन की उम्मीदवार, उपचुनाव में हुई थी बड़ी जीत। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है वो अपने आप में कई सवाल पैदा कर रहा है। हम मथुरा से आए थे जहां पर किसानों में, ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी हेमा मालिनी को लेकर। यही भाव बागपत में दिखाई दिए, इसी तरह के तेवर जो है दिखाई दिए हमें मेरठ में वहां के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ। मगर यहां पर कैराना में जिसकी गूंज राष्ट्रीय सियासत पे कई बार देखी गई, खासकर हिंदू मुस्लिम सियासत को लेकर, यहां पर मरहूम हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को टिकट न देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थकों में को एक तरह से दोफाड़ कर दिया है। खासकर मृगांका के जो समर्थक हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है क्योंकि टिकट मिला है प्रदीप चौधरी को, जो कि एक MLA है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर प्रदीप चौधरी यहां पर आएंगे प्रचार करने तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल विरोध करेंगे जी, क्योंकि मैं आपसे एक बात बता दूं, जब बाबूजी यहाँ शुरू में चुनाव लड़े तब BJP की इस यहाँ तो सीट तो अलग बात है, यहाँ पे क्षेत्र में पश्चिमी यूपी की बात कर रहा, कोई भी वो नहीं था, यहाँ जनाधार नहीं था। हेमा मालिनी को टिकट मिल सकता है, सत्यपाल सिंह को मिल सकता है, तो ये जहन में आपके सवाल आता है कि मृगांका जी को क्यों नहीं? जी ऐसा है, हमने तो ये सुना था, काफी दिनों से देखते भी हैं TV पे के भाई BJP पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ तो उल्टा ही कर दिया उन्होंने कि बेटी हटाओ। तो ये बात किसी के भी समझ के परे है कि मरहूम हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को आखिर टिकट क्यों नहीं मिला, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि मरहूम हुकुम सिंह के साथ जुड़ा हुआ है एक शब्द, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर आखिर उनकी बेटी का टिकट क्यों कटा? मेरे साथ खुद मृगांका जी हैं यहाँ पर। मृगांका जी, एक ऐसे वक्त जब आपके ऐसे कई सांसदों को टिकट मिल गया है जिनके खिलाफ आम जनता में ही नहीं उनके अपने समर्थकों में नाराजगी है, तो आपको टिकट क्यों नहीं मिला? इसके पीछे के कारणों का तो मुझे जानकारी नहीं है, परंतु क्योंकि मैं पिछले उपचुनाव में कुछ ही हज़ार मतों से हारी थी, तो यहाँ पे एक जन भावना थी, मेरे भाइयों का स्नेह था मेरे प्रति, कि मुझे भी अपेक्षा थी कि मुझे अवसर अवश्य मिलेगा, ये स्वयं मेरे लिए एक सरप्राइज था। नहीं, मगर क्या आपको लगता है पार्टी के अंदर कुछ ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने आपके खिलाफ ये साजिश की और जो कामयाब रही?
कोई ना कोई कारण अवश्य थे कि ये परिस्थिति बनी है, और कल अगर आप आते तो आपको स्वयं देखते, यहाँ पे हजारों समर्थक पार्टी कार्यकर्ता आंसुओं से रो रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, जबकि मेरे पिता यहाँ पे 45 वर्षों से सक्रिय थे, सेवा कर रहे थे। मृगांका जी, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मरहूम हुकुम सिंह की आप बेटी हैं और जाहिर सी बात है आप उनकी विरासत को आगे ले जा रही थी, अगर इस बात का ख्याल पार्टी ने नहीं रखा तो क्या ये कहा जा सकता है कि पार्टी में एक अहंकार आ गया है जिसके चलते ऐसा हो रहा है? नहीं, पार्टी मेरा परिवार है और मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और समर्पित होकर यहाँ पर सेवा करना चाहती हूँ। आपके समर्थकों में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, न सिर्फ नाराज़गी है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश नहीं करने देंगे। अब मैं उनको समझाने का प्रयास करना चाह रही हूँ और अब ये उनका स्वयं की प्रतिक्रिया है, हालांकि मैं बहुत समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बागपत, गन्ना किसानों में बीजेपी को लेकर गुस्सा कम हुआ, जाटों में जयंत चौधरी को लेकर ज्यादा चर्चा, बीजेपी को राष्ट्रवादी मुद्दों का सहारा। तो बागपत में किसानों का, खासकर गन्ना किसानों का मुद्दा बहुत गंभीर था। पिछले साल का जो उनका सारा है बकाया वो चुका दिया गया है, मगर अगर गन्ना किसानों की ही बात करें तो जो बकाया है वो 10,000 करोड़ के पार कर चुका है। इस बार बागपत की बात करें या मुजफ्फरनगर की, जाट अस्मिता में एक अलग रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां बागपत में उनके बेटे जयंत मैदान में हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग हैं जो किसान भी हैं, यहाँ के स्थानीय भी हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इस बार हवा का रुख किस तरफ है? सत्यपाल जी मुश्किल में है या क्या है? लोक दल, सारे लोक दल पर जाएंगे। वजह क्या है, वजह क्या है, लोक दल को भी पड़ेगा? वादे झूठे हुए जी, मोदी के वादे झूठे हुए। चौधरी जयंत को भी वोट देंगे जी। चौधरी, आपके हिसाब से क्या मोदी के वादे झूठे साबित हुए? सर जी मैं बताऊं, वैसे तो मैं जयंत का हूं, ठीक है ना, वोट जयंत को दूंगा, लेकिन जो काम मोदी ने किया ना, पीएमओ ही बनना चाहिए। मतलब उनके ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है ही नहीं, आपको भी लगता है मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं? या तो बात सही है, पर जो सीट है हमारी या लोकदल पर जाएगी। तो हम एक बार फिर बागपत की एक शुगर मिल में मौजूद हैं। पिछली बार जब हम यहाँ मौजूद थे लोगों में जबरदस्त गुस्सा था, और इतना गुस्सा था कि वो गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उभर कर आ रहा था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस बार जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह है, वोट किसको जाने वाला है यहाँ पर? जयंत चौधरी को जी, जयंत चौधरी को। अच्छा, हम सब सुन रहे हैं जयंत चौधरी को जाएगा, वजह क्या है? वजह जी मारा, एक तो मारा किसान है जी, वो किसान मारा मुद्दा ठा रहा, और हमें पेमेंट तो मिलेगा जी, मिल जाए तो सरकार कोई भी आती रहो, उससे कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन हमें अपना किसान नेता चाहिए जो हमारी बाजी दिल्ली बजा गई। तो क्या मोदी जी ने आपका काम नहीं किया? काम किया, विकास भी किया बहुत, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। क्या आप लोग भी किसान हैं? अच्छा, क्या इस बार सियासी माहौल कैसा बन रहा है, मतलब किसके पक्ष में रुझान दिखाई दे रहा है अभी? भाई हमें तो मोदी जी की। आप भी मोदी जी? बिल्कुल। आप पक्का मोदी? मोदी में विश्वास की वजह? वजह है ये, पाकिस्तान से इतना जल्दी बदला और राष्ट्रहित के लिए भी और रोजगार भी। बात यार, चीज में बदलाव है, सूरज ढल रहा है, मगर ये कहना मुश्किल है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी का सियासी सूरज भी इसी तरह से ढल रहा है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप आम जनता से मिलते हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उन सब में मोदी के प्रति विश्वास बना हुआ है बुनियादी तौर पर। और ये कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री में लोगों का इतना विश्वास है तो वो मोदी हैं। मगर अगर ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को इसका सियासी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर अगर इसमें राष्ट्रवाद का तड़का होता है या फिर वो प्रोपेगेंडा हावी हो जाता है जो अक्सर आप न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, तो मोदी की बल्ले बल्ले। जी हां, न्यूज चक्र पहुंचा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नींव पड़ी थी 2014 में
बीजेपी की शानदार जीत की।